हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा IBPS जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के जो ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते और कौन कौन लोग एलिजिबल कर सकते करेंगे, यहाँ पे सब कुछ मैं डिटेल्स में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि IBPS के थ्रू जो जो बैंकिंग में यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, तो यहाँ पे IBPS के जो रिसेंटली जो जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के जो पोस्ट निकला हुआ है, कौन कौन बैंक के लिए निकला हुआ है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन जो कि शुरू होगा इसका 6 नवंबर 2018 से इसका एप्लीकेशन शुरू हो गया है और लास्ट डेट है इसका 26 नवंबर 2018 तक। और लास्ट पेमेंट जो है यहाँ पे 26 नवंबर 2018 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा 29 to 30 दिसंबर 2018, और एडमिट कार्ड इसका मिल जाएगा दिसंबर में। ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो होगा 27 जनवरी 2018 में। एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे जनरल वालों के लिए 600 रुपीज़, OBC वालों के लिए 600 रुपीज़, SC वालों के लिए 100 रुपीज़, ST वालों के लिए 100 रुपीज़ और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस कैटेगरी या कैंडिडेट है जिस भी कैटेगरी के लिए, और जो इसका जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन में डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पे आपका जो फीस है आपको वो पे करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 1599, और पोस्ट नेम जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसका टोटल पोस्ट है 853। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 20 to 30, और एलिजिबिलिटी कर सकते हैं बैचलर डिग्री BE, BTEC इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस, फिजिकल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद जो पोस्ट है लॉ ऑफिसर, जिसका वैकेंसी है 75, 20 से 30 तक के जो एज है वो लोग अप्लाई कर सकते। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन LLB, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के आपको एक्सपीरियंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन बार काउंसिलिंग। IT ऑफिसर के जो रिसेंट पोस्ट निकला हुआ है उसका जो वैकेंसी है 219, 20 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री विद बी लेवल एग्जाम पास्ट और BE, BTEC इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे HR या ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल ऑफिसर, जिसके पोस्ट है यहाँ पे 81 and 20 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बैचलर डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्कर, वर्क एंड लेबर लॉ। उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर, जिसके वैकेंसी है 302, और एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे 20 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। बैचलर, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर विद MMS मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग फुल टाइम 2 ईयर्स, PG DBM विद ट्रेड इन मार्केटिंग। उसके बाद जो है राज्यसभा अधिकारी, जिसका पोस्ट है 69, 20 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल।
तो दोस्तों ये था जो कि यहाँ पे जो पोस्ट हुआ है, जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है रिक्रूटमेंट उसका। तो दोस्तों इसका जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके साथ साथ इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली उस पेज में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि पेज बहुत ज़्यादा जैम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि एप्लीकेशन हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जैम हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी देर या कुछ और भी टाइम में अगर चाहते हैं तो आप उस टाइम में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका मेरे से एडवाइस। तो दोस्तों IBPS के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप लोग बता दे चुका हूँ। अगर आपको लगता है अप्लाई करने के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।